हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे। अभी हम पहले चैप्टर पर ही हैं, रिलेशन फंक्शंस के कर रहे हैं। अगर कोई आपका क्वेश्चन होता है तो आपको मैसेज कर देना है। आप फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हो, वेबसाइट पे भी जाके मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे भी डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन। देखिए, ये रिलेशन फंक्शन का ये क्वेश्चन हमने क्यों उठाया, क्योंकि इससे भी कई वेराइटीज कवर होती है। दूसरी चीज़, यहाँ पे बाइजेक्टिव फंक्शन दे रखा है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं है। बाइजेक्टिव का मतलब होता है कि ये आपका वन वन भी होगा, वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो ये टर्म आपको क्लियर समझ में आएगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स होता है ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो इनवर्स निकालते हैं। वहाँ पे कंडीशन बताई जाती है कि वन वन होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। जो फंक्शन वन वन और ऑन टू होते हैं, उन्हीं फंक्शन का पहली बात तो इनवर्स निकलता है, और इनवर्स फंक्शन को ही हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक फंक्शन है हमारा भैया जो ए टू बी डिफाइंड है, और फंक्शन है क्या, फंक्शन बाबूजी है x माइनस टू अपॉन में x माइनस थ्री फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। भैया a क्या है, a इन्होंने मेंशन कर रखा है कि a जो है वो रियल नंबर में से तीन हटा देंगे और b जो है वो रियल नंबर में से वन हटा देंगे। अब हम बात कर लेते हैं जरा वन वन और ऑन टू की। फंक्शन समझ में आ गया, तो बेसिकली हमें दिखाना है कि ये फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों होना चाहिए, तभी बाइजेक्टिव होगा। भाई मतलब दो, यानी दोनों तरह की क्वालिटी शो करेगा। तो भैया देख लेते जरा वन वन की कंडीशन क्या होती है। मैंने शॉर्ट तरीका भी बताया इसके पिछले वीडियो में, मैंने दो मेथड बताए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो आपके एकेडमिक पर्पज में, साथ ही हमने जो एक लास्ट में एक ट्रिक भी बताई है कि क्वेश्चन का वन वन कैसे पता करते, बहुत ईजी होता है ग्राफ बना के, तो वो वीडियो देख लीजिएगा आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आ जाए वन वन की बात करें तो हम एकेडमिक में बेस्ट रहता है कि आप फॉर्मूला अप्लाई करो। कि फॉर्मूले के लिए करते क्या है, हम मान लेते हैं कि लेट एक्स वन और एक्स टू दो इनपुट है, जो इनपुट है तो डोमेन से बिलोंग करेंगे, ए को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स वन ऐसे हैं सच दैट इफ एफ ऑफ एक्स वन या एफ ऑफ एक्स वन बराबर है एफ ऑफ एक्स टू के, अगर एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू के बराबर है तो हमको दिखाना होता है कि तभी पॉसिबल है कि x1 बराबर x2 इज द ओनली सोल्यूशन आएगा। वन वन का फंक्शन वन वन मतलब ये होता है एक का एक से कनेक्शन हो, और अगर हम कह रहे हैं आउटपुट दो नंबर के आउटपुट बराबर हैं तो ये तभी पॉसिबल था कि भाई एक का एक ही से कनेक्शन है तो वो नंबर भी बराबर होगा जो इनपुट में दिया था। बेसिकली यही मतलब होता है कहने का। तो ये फॉर्मूला है कि अगर एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू बराबर है तो ये तभी पॉसिबल है कि भैया एक्स वन और एक्स टू भी बराबर होंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स वन, एक्स वन रख दोगे एक्स की जगह तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स वन माइनस टू अपॉन में एक्स वन माइनस थ्री। आई होप इतना क्लियर है। एक्स टू रख दोगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी एक्स टू माइनस टू अपॉन में एक्स टू माइनस थ्री। कोई दिक्कत है, सिंपल, हमने सिर्फ एक्स वन एक्स टू रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे तो वैल्यू हो जाएगी एक्स वन माइनस टू एक्स टू माइनस थ्री। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी एक्स टू माइनस टू एक्स वन माइनस थ्री। सिंपल सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा एक्स वन एक्स टू माइनस, एक को पकड़ो दोनों से मल्टीप्लाई करा दो, थ्री एक्स वन, टू की बारी माइनस टू एक्स टू माइनस माइनस प्लस सिक्स। सेम इधर करेंगे, एक्स टू को पकड़ेंगे तो एक्स वन एक्स टू माइनस थ्री एक्स टू माइनस टू एक्स वन प्लस सिक्स। सेम साइन का जो भी एलिमेंट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सेम साइन के जो एलिमेंट है इक्वल है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये इक्वल है और सेम साइन है कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वल है और सेम साइन है अपोजिट और इक्वल के इधर उधर है कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब अगर हम देखें तो 3x1 को उधर भेज दें तो ये प्लस का हो जाएगा, 3x2 इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3x2 माइनस 2x2, ये वाला पार्ट इधर आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 2x2 है, ये पार्ट उधर जाएगा तो 3x1 माइनस 2x1। तो यहाँ से मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ x2 बचेगा यहाँ x1 बचेगा, यहाँ से पता चला इस लाइन से हम कह सकते हैं कि एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है, वो है x1 इज इक्वल टू x2, यही आ रहा है। तो यहाँ से क्लियर हो गया, सो द गिवन फंक्शन इज, ये आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, सो द गिवन फंक्शन इज x1 इज इक्वल टू x2 इज द ओनली सोल्यूशन, सो द गिवन फंक्शन इज वन वन फंक्शन, ये वन वन प्रूव हो गया हमारा। अब बात करते हैं हम ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन कैसे दिखाएंगे कि गिवन फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन की कंडीशन मैंने बता रखी थी कि ये होती है कि भैया जो कोडोमेन होती है
वही आप दिखा दो कि रेंज है। अगर आप दिखा दो कि कोडोमेन इस फंक्शन के रेंज के इक्वल है तो ऑटोमेटिकली फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाएगा। तो उस कंडीशन को अगर हम देखें तो इस फंक्शन की ये क्या है, कोडोमेन है, यानी कि कोडोमेन हमारी दे रखी है ये, यानी हम ये दिखा दें कि रेंज इस फंक्शन की आएगी रियल माइनस वन। अब ये कैसे होगा भैया, ये बहुत इजी होता है, ये y इज इक्वल टू दे रखा है, y इज इक्वल टू x माइनस टू अपॉन में x माइनस थ्री, x को y के टर्म्स में निकाल दो। अभी y x के टर्म में दे रखा है, तो इस फंक्शन की डोमेन अगर पूछा जाए, इस फंक्शन की डोमेन क्या है, तो डोमेन होती है जिस चीज पे फंक्शन डिफाइंड है। तो यहां पे कहेंगे x की वैल्यू हो जाएगी रियल माइनस थ्री। कैसे भाई, तीन नहीं रख सकते ना इस चीज में, अगर आप तीन रख दोगे तो नीचे जीरो हो जाएगा, नीचे जीरो का मतलब है वो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में इन्होंने पहले भी देखो मेंशन कर रखा था, क्यों मेंशन किया था, रीजन ये है कि इस फंक्शन की डोमेन, आप देखिए डोमेन निकालने के सिंपल फंडे होते हैं, अगर आपने रिलेशन फंक्शन नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए। और यह ऐसा ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, जिससे लॉग में भी माइनस नहीं आना चाहिए। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये जो कुछ तरीके होते हैं वो देखा जाता है सिंपली सिंपल डोमेन निकालने के लिए। तो इस फंक्शन की डोमेन हमें पता है, रेंज निकालने के लिए x को y के टर्म में निकाल दो, तो मल्टीप्लाई करा दो, तो ये एक्स वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, एक्स एक साइड ले y एक साइड कर दो, तो x कॉमन ले लोगे y माइनस वन बचेगा, देखिए ये इधर लाएंगे वन, चलिए कर दे रहे, एक्स वाई माइनस एक्स हो जाएगा और ये थ्री वाई माइनस टू हो जाएगा, ये उस साइड चला जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री वाई माइनस टू अपॉन में एक्स वाई माइनस वन, y माइनस वन, ये x की वैल्यू आ गई। जैसे हमने इस फंक्शन की डोमेन निकाली थी ना, इस फंक्शन की भी हम डोमेन बता सकते हैं, इस फंक्शन में y की वैल्यू क्या होगी, y बिलोंग करेगा ऑल रियल एक्सेप्ट वन, क्योंकि वन डिनोमिनेटर में आ रहा है, यानी y वन नहीं हो सकता, बाकी सभी वैल्यू आएगी। ठीक है, आप अगर चाहो तो वन रख दो, वन रखने पे ऊपर वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू वन रखने पे x की वैल्यू देखो कितनी आई, क्या पॉसिबल है, ये तो y की वैल्यू है ना, अगर आप चेक करना चाहो तो y की वैल्यू वन रख दोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस टू अपॉन में x माइनस थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो x माइनस थ्री इज इक्वल टू x माइनस टू। तो यहां पे देखो x की वैल्यू अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, माइनस थ्री और माइनस टू आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते, बात समझ में आ रही है। तो ये हमने क्यों किया, क्योंकि ये y की वैल्यू, हम कह रहे हैं y की वैल्यू 1 हो ही नहीं सकती, यानी आउटपुट 1 कभी नहीं आ सकता। तो आप चेक करना चाहो देख लो क्या कभी ये वैल्यू किस x के लिए ये वैल्यू 1 देगा, तो हमने यहाँ 1 रख दिया क्रॉस करके, हमें दिख रहा है कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। तो उस सिचुएशन में हमें पता चल गया कि ये इस फंक्शन की जो रेंज आ रही है वो ये है, क्योंकि इस फंक्शन की जो इसकी जो डोमेन होती है वो उसकी रेंज होती है। सिंपल सा फंडा यार, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, यहाँ समझो, देखो देखो इधर देखो, f ऑफ x की वैल्यू y होता है, तो ये हमारा क्या होता है, इनपुट होता है, यानी ये डोमेन होता है, और ये हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है। अब अगर उल्टा कर दो तो x की वैल्यू हो जाएगी f इनवर्स y। अब हम इनपुट क्या दे रहे हैं, अब हम दे रहे हैं इनपुट ये इनपुट दे रहे हैं, इस फंक्शन की बात करें, इनवर्स फंक्शन की बात करें, तो आउटपुट हमको x मिल रहा है, यानी x और y है तो वही, लेकिन इनवर्स के केस में जो इनपुट था वही उस वाले फंक्शन के लिए आउटपुट था, यानी इस फंक्शन की जो डोमेन आएगी वो उसी फंक्शन की क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। इसीलिए रेंज निकालने के लिए सिंपली इनवर्स निकालते हैं और उसकी जो डोमेन आती है वो रियल फंक्शन की डोमेन हो जाती है, सॉरी रेंज हो जाती है। इस फंक्शन की जो डोमेन आई है वो ये है, तो मेरे भाई जो ये इस फंक्शन की वाई की वैल्यू है वो उस फंक्शन के लिए रेंज ही तो थी, वाई कितना था, वाई आउटपुट है। तो यहां से हम कह सकते हैं इस फंक्शन के लिए y कितना है, रियल माइनस वन, विच इज इक्वल टू द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, यानी हम यहां कह सकते हैं कि हर एक y के लिए, मतलब यहां पे कह सकते हैं कि हर एक फॉर ऑल x फॉर ऑल y, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू b, फॉर ऑल यानी सभी वाई जो इसको बिलोंग करते हैं, इस सेट को बिलोंग करते हैं, फॉर ऑल वाई बिलोंग टू बी देर एग्जिस्ट एक्स, एक्स किसको बिलोंग करेगा, ए। ठीक है, यानी हर एक वाई के लिए जो बी को बिलोंग करता है उसके लिए एक एक्स होगा, यानी बी के जितने भी एलिमेंट्स है उसकी प्री इमेज ए में जरूर होगी,
यानी यहाँ से पता चलता है कि कोडोमेन यानी जो बी है वो सारा यूज हो रहा है। तो ये हमारा फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। आई होप इतना क्लियर है। सिंपल ये ध्यान रखो कोडोमेन हमें निकालनी, जो रेंज निकालनी है वो कोडोमेन के इक्वल दिखानी है। आई होप इतना क्लियर है। ये लाइन लिख देना कि सभी वाई के लिए आउटपुट वाले फंक्शन के लिए ए टू बी फंक्शन डिफाइंड है तो सभी इस वैल्यूज के लिए उनकी एक प्री इमेज ए में होगी। तो फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी सभी वाई के लिए देर एग्जिस्ट एन एक्स फ्रॉम सेट ए, सेट ए टू बी अगर डिफाइंड है सो द गिवन फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। आई होप इतना क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वन वन ऑन टू या बाइजेक्टिव के फॉर्म में दे रखा होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, वन वन निकालना है। वन वन के लिए सिंपल फॉर्मूला है कि एफ ऑफ एक्स वन बराबर एक्स टू रखोगे, सॉल्व सिंपल फंक्शन में एक्स वन और एक्स वन एक्स की जगह एक्स वन रख देना और एक्स टू की जगह एक्स टू रख के दोनों को इक्वल कर देना तो एक ही सोल्यूशन आना चाहिए। इससे पहले हमने कराया था जो उसमें वन वन और ऑन टू नहीं थे, उसमें दो मेथड से हमने कराया ताकि आप कोई भी मेथड अप्लाई करो सही आएगा क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना इस टाइप के क्वेश्चंस की और एग्जाम में आने के चांसेस हैं वन वन ऑन टू पूछे जाने के, क्योंकि सिलेबस में ही यही है आपके। आई होप इतना क्लियर है।